बे सिटा रही सतवें गेड़ की बैठक तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर वालों भी बयान सामने आया तो उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों की भावनावां मुताबिक ही सरकार फैसला लेगी। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर जिन्होंने इस मीटिंग तो बाद बयान दिता है जिस उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों की भावनावां वेखदा होया सरकार कोई फैसला लेगी। 8 जनवरी को किसी सार्थक नतीजे की उम्मीद नरेंद्र तोमर ने जताई। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार से भरोसा होने करके ही तो यह गलबात हो रही है। जल्द ही किसानी आंदोलन खत्म होने की आस नरेंद्र तोमर ने इस मीटिंग तो बाद जताई है। हालांकि जो बीते दिन मीटिंग हुई उस तो पहला भी पत्रकारों गल करद उन्होंने आस जताई थी कि कोई सार्थक नतीजा निकलेगा, लेकिन यह मीटिंग बेसिट्टा रही। हुण इस मीटिंग तो बाद उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों की भावनावों को देखते हुए ही सरकार कोई फैसला लेगी। हालांकि हम 8 जनवरी को अगली बैठक होनी है जिससे उन्होंने सार्थक नतीजे निकलने की उम्मीद जताई है। नाल ही उन्होंने यह भी आस जताई कि जल्द ही यह किसानी आंदोलन खत्म हो जाए। बीते दिन सतवें गेड़ की यह बैठक हुई जिस विच एक बार फिर तो इन मुद्दों से गल हुई। हालांकि किसानों ने पहला ही सरकार की नीति नीयत से अपने संकेत जाहिर किए सन, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद कोई हल निकल पाए, लेकिन बीते दिन हुई मीटिंग में कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकल पाया। तो 8 तारीख को मीटिंग होनी है, लेकिन इस मीटिंग के बाद खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने जल्द ही किसानी आंदोलन खत्म होने की आस प्रगटाई। 8 तारीख को कोई सार्थक नतीजा निकलने की उन्होंने आस जताई है। यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके, इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं, समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना, तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी सरकार।